नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। प्रेस क्लब रामगढ़ की वार्षिक आम सभा में सैकड़ों पत्रकार जुटे और संगठन मजबूती समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रेस क्लब रामगढ़ द्वारा बिजुली स्थित प्रेस क्लब भवन में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सैकड़ों की संख्या में पत्रकार शामिल हुए। सभा की शुरुआत में दीप प्रज्वलन किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष मनोज सिंह ने बताया कि संगठन की सार्थकता है और कहा कि क्लब पत्रकारों के हित में सदैव सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, भविष्य में भी क्लब पत्रकार हितों को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। आम सभा के दौरान क्लब के सचिव योगेंद्र सिन्हा ने क्लब द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। वहीं संरक्षक अमित कुमार सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों में एकजुटता है। पीसीआर के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शुरुआती दौर से अब तक और आने वाले दिनों में पीसीआर सदस्यों का हित सर्वोपरि है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट। आज प्रेस क्लब की बैठक में पत्रकार हित में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में पत्रकार के स्थापना करते हुए बीमा संबंधी कदम उठाए जाएंगे, जैसे एक्सीडेंटल बीमा हो, व्यक्तिगत बीमा हो, कैसे हम पत्रकारों को सुदृढ़ कर सकें, इसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अलावे हम लोगों का जो भवन है वर्तमान में, इसको कैसे और विस्तृत किया जाए, साथ ही हमारे बीच से जो दो पत्रकार दिवंगत हुए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और जिले के सभी पत्रकार इसमें शामिल हुए और एक अच्छे वातावरण में पूरा एजीएम संपन्न हुआ।